Hello students, we are going to start exercise 4.6 of this chapter and it is based on circle. First question is from the figure identify. आपको given है एक figure, right hand side पे आप देख सकते हैं circle की एक figure आपको दे रखी है, उसमें आपने बताना है ये जो parts पूछे हुए हैं. First one is the center of circle. Center कौन सा है circle का, आप देख सकते हैं यहाँ पे center is O. सेंटर कौन सा होता है, जहां से हमारा डायमीटर पास होता है, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोर्ड होती है जो सर्कल की सेंटर से पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर. एंड थ्री रेडियाई, थ्री रेडियाई, रेडियाई कौन सी होती है बेटा, जो आपकी सेंटर से स्टार्ट होके और सर्कमफ्रेंस को टच करती है, वो लाइन्स आपकी रेडियाई कहलाती है, रेडियस कहलाती है. तो ये और ये आपकी कितनी रेडियस है इसमें, थ्री. कौन सी है, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. नेक्स्ट और डायमीटर, डायमीटर कौन सा है, ए सी, जो आपका सेंटर से पास होता हुआ कोड जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, ए सी. और कोड, डायमीटर के अलावा कौन सी कोड है, ई डी. कोड कौन सी होती है, जो सर्कमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाती है. तो आपकी इसमें ए वाली कोड कौन सी आ गई, ई डी. हमारी कोड एसी भी एक कोड है, लेकिन उसके अलावा जो इन्होंने पूछा है ईडी हम लिख देंगे, क्योंकि एसी हमारा ऑलरेडी डायमीटर में आ चुका है. टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अब आप इंटीरियर में देख सकते हैं कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो पी पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, ओ, तो ओ एंड पी. नेक्स्ट अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है, क्यू. नेक्स्ट अ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है बेटा, जो एंगल दो रेडियाई सर्कल के सेंटर पे बनाती हैं, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर. तो इसको हम नाम देंगे ओ ए बी. नेक्स्ट अ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, वो पोर्शन जो कोई भी कोड, जब हम कोई कोड ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल से कट ऑफ हो जाता है, मान लो ये वाला एरिया, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ईडी से इधर वाला एरिया. और आपका ये वाला होता है माइनर सेगमेंट, जो स्मॉलर वाली साइड होती है, और ये वाली साइड आपकी कहलाती है मेजर सेगमेंट. तो सेगमेंट का नाम देंगे हम यहां पर ई डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड. इसका आंसर आएगा यस. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जो आपका डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट कोड होता है सर्कल का. नेक्स्ट इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर. ये वाला जो पार्ट है ये आपका नो होगा. क्यों होगा नो, उसके लिए मैं आपको रीजन बता रही हूं. कोड क्या होती है आपकी, जो किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, बट जो हमारा डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होना जरूरी होता है. लेकिन कोड के केस में हमारा ये नहीं है कि इसको सेंटर से पास होना जरूरी है, इसलिए जो कोड होती है वो जरूरी नहीं है कि वह डायमीटर भी हो. तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा नो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क. आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड उसमें आपने पॉइंट्स मार्क करने हैं. फर्स्ट इट्स सेंटर, इसके बीच में एक पॉइंट लेंगे जिसको हम नाम देंगे ओ, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल. नेक्स्ट अ रेडियस, कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर दो, नाम दे दिया उसको ओ सी. अ डायमीटर, एक डायमीटर ड्रॉ कर दो, इसको नाम दे देंगे हम ए बी. नेक्स्ट अ सेक्टर, सेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो दो रेडियस मिलके सेंटर पे एक एंगल बनाती हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर. नेक्स्ट अ सेगमेंट, सेगमेंट बनाने के लिए आपको एक
कोड मार्क करनी पड़ेगी, एबीसी पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी आ गए हैं, तो इसको हम लिख देंगे ई एफ, और ये जो एरिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट। अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अब इसके इंटीरियर में कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे हम, जिसको हम नाम दे देंगे पी। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, इसके बाहर कोई भी एक पॉइंट बना देंगे क्यू। एन आर्क, आर्क क्या होती है आपकी, जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाती है उसको हम आर्क कहते हैं, इस तरह से जो सर्कुलर होती है इस तरह, इसको हम आर्क बोलेंगे। सेगमेंट क्या था हमारा, ये जो पूरा पोर्शन था इसको एक सर्कल की सेगमेंट बोलते हैं। जैसे आप केक वगैरह लेते हैं, केक को आप कट करते हैं, उसका जो एक पोर्शन निकल के आता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। इस साइड से मान लो आपने इसको कट कर दिया, ये पूरा सेगमेंट है। आर्क क्या है, ये वाला पोर्शन आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज से ट्रू और फॉल्स, टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली मीट। आपसे क्या पूछ रहा है ये कि कोई सर्कल है उसके दोनों डायमीटर जो हैं वो जरूरी है कि वो दोनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो डायमीटर होता है वो हमेशा सेंटर से पास होके जाता है। मान लो आपने एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया ए बी, और दूसरा डायमीटर आपने ड्रॉ किया सी डी, तो दूसरा भी ऑब्वियस है कि वो सेंटर से पास होके ही जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है दोनों डायमीटर्स एक पॉइंट पे मिलेंगे, ओ पॉइंट पे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। जो आपका सेंटर होता है सर्कल का वो हमेशा इंटीरियर में ही होता है, क्योंकि वहीं से इस पॉइंट से ही आप सर्कल बनाते हैं। तो इसका मतलब वो आपका ऑलवेज इंटीरियर में ही आएगा, एक्सटीरियर में नहीं आ सकता। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थैंक यू।